क्योंकि बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है कुलकर्णी, और ये लोग, इन मजदूरों को मैं कहीं भी ले जाऊं, मुझे भुगतान तो इन्हें बंबई की दरों पे ही करना पड़ता है, जो मेरे लिए घाटे का सौदा है। और इसीलिए तो मैं यहाँ शिरडी में आया कि मुझे सस्ते में मजदूर मिल जाएं, जो मुझे मिल भी गए। अब हाथी पालने की क्या आवश्यकता। हरिओम हरिओम, लेकिन एक बार फिर से सोच ले प्रसाद, क्योंकि हमने बच्चों के माता पिता को ये कहा था कि हम उनसे भारी काम नहीं करवाएंगे। यदि हमने मजदूरों का काम उन्हें सिखाना शुरू कर दिया तो उन्हें संदेह नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस वक्त सारे गांव वाले मुझसे प्रभावित हैं, और खास तौर से बच्चे, गरीब माँ बाप हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ फैक्ट्री में भेजना शुरू किया है। लक्ष्मी जी उनके घर जा रही है। खनकते सिक्कों की आवाज ऐसी होती है ना कुलकर्णी, जिससे अच्छे अच्छों की आवाज दब जाती है, खुले मुंह बंद हो जाते हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को यहाँ खूब सारी मीठी गोलियां खाने को मिल रही है। पैसे और मिठास की परत उनकी आंखों पे चढ़ रही है। बच्चे वही करेंगे जो मैं कहूंगा। किसी से कोई भी काम कराने का जादुई शब्द है मेरे पास, जो हर समस्या पे भारी पड़ता है, और वो शब्द है पेशगी, अग्रिम भुगतान, जिसका प्रयोग मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। अब तक हम बच्चों को प्रतिदिन का भुगतान उसी दिन करते आए हैं, लेकिन अब बच्चों को पूरे एक महीने का भुगतान अग्रिम में कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के हाथ में कभी पैसे नहीं थे, अब उनके हाथ में ढेर सारे खनकते सिक्के होंगे। एक बार खुद की आमदनी की लत लग जाएगी तो आने वाले हफ्ते में कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। भीवा, आज मैं लेने नहीं, कुछ देने आया। ये काढ़ा नील को रोज सुबह और रात को, दिन में दो बार जरूर पिला देना, उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये शक्तिवर्धक है, अतिरिक्त श्रम सहन करने की शक्ति भी मिलेगी उसे। जी सही, आज शाम से शुरू कर दूंगा, अभी तो वो पाठशाला गया है। मान गए उस्ताद, मान गए, एक ही तीर में शिकार ही शिकार। महान हो आप गुरु, महान हो। प्रसाद, मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब शिरडी वासियों के बच्चे गधा मजदूरी करते करते नरकंकाल बन जाएंगे। हाहाकार मच जाएगा, सब असहाय होंगे। उस अनुबंध के कारण कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगा। अद्भुत अद्भुत। हाँ।
अगर साईं आसानी से नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगा। उन्हें मेरा धन लेना ही होगा। चलो सब बच्चे अपना हाथ आगे करो। हाँ ये लो। क्यों तुम बच्चे इतना मन लगा के मेहनत जो कर रहे हो, और तुम्हारे आई बाबा ने मुझ पे भरोसा करके तुम्हें यहाँ काम पे भेजा है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुम लोगों का ख्याल रखूं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस महीने का पूरा मेहनताना मैं तुम्हें आज ही दे दूं, अग्रिम। इतने सारे पैसे मैंने एक साथ इतने सारे सिक्के आज तक नहीं देखे। मैंने भी। तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं देखा होगा। ये आखिरी पेशकश तुम लोगों की किस्मत पर ताला लगा देगी, तुम्हारे माँ बाप को लालची बना देगी। पैसों के लालच में उन्होंने मेरे फायदे के लिए तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटी देखने की नहीं, ढेर सारे पैसे पाने की आदत डाल लो, क्योंकि जितना मेहनत करोगे पारिश्रमिक उतना बढ़ता चला जाएगा और पैसे का ढेर भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, समझे? अगर ऐसा है तो अब से हम बहुत मेहनत करेंगे, क्यों दोस्तों? हाँ। तो चलो फिर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.